हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि एक वचन से हमें बहुवचन कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये मैंने रूल्स दे रखे हैं। इन रूल्स के थ्रू ही हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाना सीखेंगे। छोटी क्लासों में ये बता दिया जाता है कि हम एस जोड़ देते हैं वर्ड के आगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। हाँ, ये सही है, बट छोटी क्लासों के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्लास से अपवर्ड या सेकंड क्लास से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें रूल्स पढ़ना ज़रूरी रहता है, जो हमारे लिए अपवर्ड क्लासेस है जितनी भी, उनमें बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले द टॉपिक इज सिंगुलर टू प्लूरल। द फर्स्ट रूल इज, रूल जो वन है वो है एड ई एस। ES लगा के हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। कब? वेन वर्ड एंड्स विद, यानी कि जो शब्द है वो कब किससे खत्म हो रहा हो, इन लेटर से, S, CH, SH, X एंड Z। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, बस, फॉक्स, वॉच, विश, क्विज। इन सब में देखो S है, फिर X, CH, SS एंड जेड, ये लेटर सारे, जब ये लेटर किसी वर्ड के एंड में आते हैं तो हम क्या जोड़ देंगे, ES, ES जोड़ के हम प्लूरल बना देंगे। ये है इसका फर्स्ट रूल। देन इसके बाद में हम प्लूरल बनाने के लिए जो सेकंड रूल है वो पढ़ते हैं। रूल नंबर टू वो है एट VES, यानी हम VES जोड़ के क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, वेन वर्ड एंड्स विद, कब किससे, अगर F और F, यानी कोई वर्ड F या FE जिसके लास्ट में आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस F और FE, यानी F या FE को हम रिमूव यानी हटा देंगे, जैसे कि लीफ, वाइफ, लाइफ एंड वॉफ। इसमें मैंने जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखा है वो एफ एंड एफ ई है, और ऊपर मैंने ग्रीन कलर में माइनस, यानी माइनस मीन्स ये हट जाएंगे और इनके बाद में क्या जुड़ जाएगा, एफ और एफ ई की जगह वी ई एस जुड़ जाएगा। तो ये था रूल नंबर टू, ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया प्लूरल बनाने के लिए। फिर रूल नंबर थ्री है एड एस। हम एस कब ऐड करेंगे, वेन वर्ड्स एंड्स विद, कोई भी वर्ड है वो कहाँ कब एंड हो रहा हो, उसके लास्ट में वोवल आ रहा हो, वोवल इन पांचों में से ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी वोवल आ रहा हो और उसके बाद में क्या आ रहा हो, वाई आ रहा हो, जैसे कि डे, बॉय एंड डोंकी। इसमें ए, ओ एंड ई क्या है, वोवल्स हैं, इन वोवल्स के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ऐसी अगर कंडीशन आती है तब हम क्या करेंगे, वाई के आगे एस को ऐड कर देंगे। ये है हमारा रूल नंबर थर्ड। इसके बाद में अगर हम रूल नंबर फोर पढ़ते हैं तो वो है हम प्लूरल बनाएंगे किसको ऐड करके, आई ई एस। तो अब आई ई एस कौन सी कंडीशन में जुड़ता है, व्हेन वर्ड एंड्स विद, यानी कोई शब्द कहाँ से खत्म हो रहा हो, सबसे पहले तो उसमें कॉन्सोनेंट आ रहा हो। ठीक है, वोवल्स को छोड़ के बाकी अल्फाबेट लेटर जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, और उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में क्या आ रहा हो, वाई। तो हम माइनस वाई, यानी वाई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम एग्जांपल देख लेते हैं, सी आई टी वाई, सिटी, पार्टी, बॉडी। इनमें देखो फर्स्ट जो है लास्ट के अंदर टी, टी और डी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में वाई है, वाई को हम माइनस कर देंगे, इन कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे हम क्या लगा देंगे, आई ई एस, आई ई एस, सिटीज, पार्टीज, बॉडीज। ठीक है, ये है रूल नंबर फोर। इसके बाद में रूल नंबर फाइव जो है वो है एट ई एस। ई एस हम कब लगाएंगे, वर्ड्स एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस ओ, यानी पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट बाद वाला क्या हो, ओ हो, जैसे हीरो, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, इसमें आर, टी और टी, इनके जस्ट, ये तो है कॉन्सोनेंट लेटर, देन इनके बाद में आ रहे हैं वोवल ओ, ये जब आए तब हम क्या करेंगे, इनके जस्ट बाद में ई एस जोड़ देंगे, तो हीरोज, पोटैटोज, टोमेटोज, ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर फाइव। ठीक है, देन हम चलते हैं रूल नंबर सिक्स की तरफ। रूल नंबर सिक्स हमें क्या बताता है, एड एस। हम एस कब ऐड करेंगे, व्हेन वर्ड एंड्स विथ
वोवल, पांचों वोवल में कोई भी वोवल हो और उसके बाद में क्या हो, ओ ऐड हो रहा हो, लाइक जू, वीडियो, रेडियो. ओ ई आई ये वोवल्स हैं, इनके जस्ट बाद में ओ आ रहा है तो हम क्या ऐड कर देंगे, एस को ऐड कर देंगे. ये है हमारा रूल नंबर 6. ठीक है, देन इसके बाद में है ऐड एस. कब ऐड एस ऐड करेंगे, कोई भी रेगुलर नाउन है तो हम उनमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे. कॉल, डॉग, बुक, इनके जस्ट बाद में हम क्या लगा देंगे, एस. तो ये बन गया प्लूरल इनका. ठीक है, देन नेक्स्ट जो है रूल हमारा वो है 8 रूल, इरेगुलर नाउन. इरेगुलर नाउन में कैसे चेंजमेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल हम देखें, फुट, चाइल्ड, मैन, माउस, टूथ. इनमें बीच के लेटर हमने चेंज किए फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, एम ए एन, तो ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ई में, मैन. माउस जो है वो कन्वर्ट हो गया माइस में. टूथ जो है वो कन्वर्ट हो गया टीथ में. यानी कि ये क्या है, पर्टिकुलर है. इनको ऐसे ही हमें लर्न करना है, इरेगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ये वर्ड्स हमें याद ही करने पड़ेंगे. इसके बाद में एक लास्ट ऐसे भी कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है. नो चेंज वाले जो वर्ड्स है, दैट इज शिप, शिप ही रहेगा, इसका प्लूरल बनाएंगे. फिश का फिश, ये फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं कर रहा है. एस एच जो है, मैंने फर्स्ट रूल में बताया था कि अगर वर्ड के एंड में एस एच आ रहा है तो हम ई एस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है. तो ये फिश है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. फिश, सीरीज, सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज, डियर, डियर. यानी ये जो लेटर्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल भी इनमें कोई चेंज नहीं होगा. तो ये हमने जो है हमारे टोटल 9 जो रूल्स हैं वो हमने पढ़े हैं. किस कौन सी जगह में एस ऐड करना है, आई ई एस ऐड करना है, वी ई एस ऐड करना है, ई एस, तो ये हमें इन रूल्स के थ्रू अच्छे से याद कर सकते हैं और हम सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं. थैंक यू.